पत्रकार परिषद दी है, आपके पत्रकार परिषद देने का उद्देश्य क्या है? आज का जो पत्रकार परिषद लेने का जो हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य बहुत ही सरल और बहुत ही नॉर्मल अंदाज में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा आज का पत्रकार परिषद का उद्देश्य ये है कि वक्फ प्रोपोर्शन वक्फ बोर्ड, मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड जो है, ये हमेशा बड़े नेताओं से, राजकीय बड़े लोगों से हमेशा एक आवाज़ सुनने में आती है कि वक्फ प्रोपोर्शन जो है तो ये गोर गरीब, यतीम, यसीर, बेवा, बेकस, इन लोगों के लिए ये बनाया गया है। मगर इसका आज उलट देखने में आता है। आज ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है तो सिर्फ अमीरों के लिए बनाया गया है। वक्फ बोर्ड अमीर डेवलपरों को अपनी ज़मीन मुहैया कराता है। वक्फ बोर्ड अपना उद्देश्य को भूल गया है। वक्फ बोर्ड की स्थापना जिस कार्य के लिए की गई है, आज वक्फ बोर्ड उस कार्य को छोड़कर अमीर बे डेवलपरों के पीछे लग गया है और चोरी से, चुपके से सारे घपले करके जो है तो इन अमीर लोगों को, इन अमीर ज़ादों को अपनी ज़मीन मुहैया करा रहा है। हम आज जो ये पत्रकार परिषद लिए है उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि मुसलमानों की ज़मीन मुसलमानों को दी जाए। जो ज़मीन मुसलमानों के लिए वक्फ की गई है, गोर गरीब यतीम यसीर बेवा इन सब के लिए यह ज़मीन दी गई है, मगर वक्फ प्रशासन जो है तो किसी तरीके से आज तक का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो वक्फ बोर्ड ने किसी भी यतीम यसीर गरीब को ये ज़मीन मुहैया नहीं की है। और हम वक्फ बोर्ड से ये निवेदन करते हैं और हमने एक अहवाल तैयार किया है, वक्फ बोर्ड प्रशासन की जो ज़मीन औरंगाबाद के हद में है उस हद में जो है तो वक्फ बोर्ड प्रशासन ने इन गोर गरीब यतीम यसीर बेवा बेकस मोहताज अपाहिज इन सब लोगों को जो है तो जगह मुहैया करा के देना चाहिए। कम से कम 600 स्क्वायर फीट की जगह वक्फ बोर्ड ने इनको, जो बड़े बड़े लोगों से 3600 स्क्वायर फीट की ज़मीन देकर उनसे 500 300 400 रुपए का किराया वसूल कर रही है, तो क्या ये गोर गरीब 600 स्क्वायर फीट का किराया भर नहीं सकते हैं क्या? तो मैं वक्फ बोर्ड प्रशासन से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको ये निवेदन करता हूँ कि आप जो है तो ये 600 स्क्वायर फीट की ज़मीन इन गोर गरीबों को दीजिए, अन्यथा अगर हमने जो प्रपोजल तैयार किया है उसके अंतर्गत जो है तो तमाम औरंगाबाद ही नहीं, तमाम मराठवाड़े के अंदर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पड़ी है उस पर जो है तो इन गोर गरीब मुसलमानों को बिठाना चाहिए, अन्यथा हमारा अगला स्टेप ये रहेगा कि वक्फ बोर्ड प्रशासन की जहाँ भी ज़मीन ओपन हो रहे और हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है 712 है और कहाँ पर पड़ी है वो भी हमको मालूम है, अगर कानूनी तरीके से अगर आप इन लोगों को ज़मीन इशू नहीं करेंगे तो हम इन सब लोगों को जो है तो उस जगहों पर ले जाकर बिठाने का काम करेंगे। इसी तरह से मैं शहर के तमाम जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो संस्था चलाते हैं, जो समाज के हित में आवाज़ उठाते हैं, मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप एक आवाज़ में मेरे साथ आइए या मैं आपके साथ में आने के लिए तैयार हूँ। ये गरीबों का हक हम गरीबों को दिला के रहेंगे और हमारे शहर के लाड़ के खासदार साहब जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप हमको आवाज़ दो, हम आपके साथ खड़े होकर इन गरीबों को, यतीम यसीर बेवा बेकस
इन लोगों को इनका हक दिला के रहेंगे। अगर आप हमारी आवाज़ में आवाज़ लगाकर या हम आपकी आवाज़ में आवाज़ लगाकर आंदोलन करने के लिए तैयार है और प्रशासन से झगड़ने के लिए तैयार है, आपका अगर आपका हमें सपोर्ट मिलता है तो इंशाल्लाह हमारी आवाज़ और बुलंद होगी। अटल समाज सेवक, वार्ड नंबर 67, समता नगर, औरंगाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख इमरान शेख उस्मान है। मैं एक समाज सेवक हूँ औरंगाबाद शहर में, और गरीबों के लिए जो गरीबों के हक में जो काम करने का हमें मौका मिलता है, हम बराबर आगे बढ़ के करते हैं। हमारे साथ हमारे उलमा संगठन के आसिफ भाई हैं, नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब हैं भाई है, हमारे कैलाश भाई बंसोड़े हैं, हमारे इरफान भाई। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि हमारे नज़ीर भाई जो अटल सेवा समाज संगठन चलाते हैं, वक्फ बोर्ड से इनकी मांगनी है, इनको हमने सपोर्ट किया है, हमारा पाटुंबा है। इनकी मांगनी ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी पे गरीबों के लिए 600 स्क्वायर फीट के प्लाट बना के दिया जाए। वक्फ बोर्ड के पास इतना फंड्स मुहैया है, लाखों करोड़ों रुपए उनके पास आता है भूमिगत, ये अभी जो जो एक्सप्रेस हाईवे वगैरह गए उसमें बहुत सारा पैसा आया, ये दिखाते नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारा फंड्स है। इन्होंने गरीबों के लिए वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि बड़े बुजुर्गों ने वक्फ को प्रॉपर्टी वक्फ इसलिए करके गए कि ये गरीबों के काम में आना चाहिए। तो वक्फ लोग, वक्फ के जो मेंबर हैं या अधिकारी है, सीईओ साहब है और हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी और ये निवेदन हमारा है कि आने वाले समय में, आने वाली मीटिंग में आपने ये प्रस्ताव हमारा पास कर दिए, मीटिंग में रखे कि भाई गरीबों के लिए औरंगाबाद शहर, मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए, कि गरीबों के लिए हम किस तरीके से फंड मुहैया करा के इनको 20-30 के प्लॉट दे सकते हैं, इनकी रहने के लिए, इनके सर छुपाने के लिए जगह कर सकते हैं। ये उन्होंने इसके ऊपर अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारे को देखने में अभी तक ये आया कि 1995 से वक्फ कायदा चालू हुआ है, मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में कन्वर्ट हुआ है सब, और बहुत सारे ऐसे कायदे बने, रूल बने कि जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी है, वो पूरी वक्फ बोर्ड ने अपने ताबे में लेना चाहिए, उसका जो भी है इनकम वगैरह अपने पास करना चाहिए। लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है, वो ज़मीनें आज तक 95 से जैसी की वैसी उन लोगों के कब्ज़े में है और वो कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, और अंदर के अधिकारियों की उनसे क्या साठ गांठ है वो बाकी सब जनता देख रही है, आप लोग को मीडिया को सब मालूम है। तो हमारी ये मांगनी है, आप सब लोगों के लिए, पैसे वालों के लिए, बिल्डरों के लिए सब चीज़ें करते हैं, तो गरीबों के लिए आपने करना चाहिए। हमारा ये बोलना है कि वक्फ प्रॉपर्टी की करोड़ों की जगह है, बहुत सारी जगह पड़ी, वहाँ आप अच्छे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि गरीबों को फ़ायदा मिलेगा, आगे बच्चे पढ़ के निकलेंगे, नहीं तो क्या होगा, बड़े लोगों के बच्चे बाहर निकल रहे, आगे निकल रहे, पैसा कमा रहे हैं, और गरीब लोगों का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा सिर्फ रिक्शा चला रहा, पंचर की दुकान लगा रहा और बस यही छिल्लर चाल्लर काम कर रहा, तो उनको आगे बढ़ने का मौका कब मिलेगा। तो हमारी सरकार से और हमारी वक्फ बोर्ड जो मेंबर है उनसे ये हमारी मांगनी रहेगी, आने वाले समय में हमारी ये प्रस्ताव को अगर मंजूर नहीं किया गया तो हम बड़े लेवल पे आंदोलन करेंगे इस मैटर में। मैं कैलाश बंसोड़े, मैं सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि वक्फ बोर्ड की ये ज़मीन है जो अपने गरीब मजदूर या जो बेवास है और जो वंचित है उनको मिलना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है सरकार से। और ये सब जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी है या सब जिम्मेदार जो है, तो उनसे गुजारिश है कि ये सब मजदूर लोगों या कोई वंचित हो उनको ये ज़मीन मिलनी चाहिए और उनके जो जीवन मान है उसको स्तर बढ़ना चाहिए, ये सरकार से मेरी गुजारिश है। हाल ही में आपने सूचना में प्रवेश किया है और सूचना में आपके मुख्यमंत्री है, और जैसा आप तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं का आज आपके नेतृत्व में बैठे हैं, और तो बहुत बड़ी बात है कि आप सरकार में हैं और वक्फ बोर्ड कहने के सरकार किस में आता है, तो क्या करेंगे आप एक कार्यकर्ता के तौर पे, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे? मैं शेख आसिफ शेख महबूब, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से मैंने अटल समाज सेवा के जो संगठन के अध्यक्ष है हमारे फारूक साहब, हमारे इमरान भाई, दूसरे इरफान भाई, हमारे नसीर भाई, बाकी हमारा उद्देश्य पार्टियों का आज विषय नहीं है, हमारा विषय जो है तो गरीबों को हक दिलाने का है।
अब गरीबों को हम हक कैसे दिला सकते हैं? सरकारें तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकार किसकी है क्या है ये हमको नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि वक्त प्रॉपर्टी जो होती है उस पर हक किसका होता है, और आज उस पर जो है तो नाजायज़ लोग किस तरीके से बैठे हैं। तो इससे पहले भी हमारे कुछ शहर के जाने माने बहुत बड़े बड़े लोगों ने आवाज़ें उठाई थी, आपके खुद चैनल के माध्यम से पूरे शहर ने देखा, ज़िले ने देखा, महाराष्ट्र ने भी देखा होगा। तो आवाज़ें ये उठी थी कि कुछ जालना रोड की ज़मीन की और कुछ और कई कई क्रांति चौक की ज़मीन की, तो उसके बाद में आप लोग वो नहीं बताते उसके बाद क्या हुआ। यानी आवाज़ें उठी थी शोर जोर से गरीबों को हक दिलाने की, वक्फ बोर्ड की ज़मीन वापस लेने की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो बाद में आवाज़ भी दब गई, वो जो आवाज़ उठाई गई थी वो भी दब गई। तो ऐसा क्यों होता, मेरा सवाल ये है ऐसा क्यों होता? क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है बेवाओं की, गरीबों की, यतीमों की है, ये जितने भी लोग इसके ऊपर जो डाके डाल रहे हैं, हमले कर रहे हैं, इनको आज नहीं तो कल तो भुगतना पड़ेगा, ये बात पक्की है। ये आज नहीं तो कल भुगतने वाले लोग हैं। और जितने भी जो आवाज़ उठाते हैं बड़े पैमाने पे, हम तो क्या है समंदर की छोटी मछलियाँ हैं और बड़ी मछलियाँ हमको निकल जाती, तो वो हिसाब से हम कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो आप लोग अगर चाहे हमारा साथ दे और हम सब भाई लोग और हम शहर में लोग अच्छे जोड़ेंगे और ये बड़ी मछलियों का मुकाबला करने की ताकत पैदा करेंगे। क्योंकि हम अगर जिस डर से अगर से बैठते हैं कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती है समंदर की, तो ये होते रहेंगे और ऐसा कब तक चलते रहेंगे। तो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है ये यतीम यशीर बेवाओं को मिलना चाहिए, और इस पर हम हक दिलाने के लिए काम करना चाहते हैं। आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए और सब शहर के लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, और जो लोग इस पर कब्जे करके बैठे हुए हैं इनके ऊपर गुन्हे दाखिल होना, इनके ऊपर मालूमात इनकी चौकाशी होना, ये लोग किस तरीके से जो है तो जगहों पे कब्जे करके बैठे हुए, जो हक जो है तो यतीमों का है, गरीबों का है। आज लोग किस हाल में परेशान है, आज किराया भाड़ा नहीं भर सकते सब लोग, आज उनके चूल्हे नहीं जलते, वो किराया कहाँ से भरेंगे? तो ऐसे लोगों का हक मार के बड़े लोग शहर के अंदर बैठे हैं क्यों? इसका कौन जिम्मेदार है? इसकी आवाज़ पर उठाएगा कौन? सर जैसा आपने कहा कि आप उल्मा वोट की जिम्मेदारी आपने तायद की है, तो जाहिर सी वजह जब लफ्ज उल्मा आता है तो कहने के हमारे मस्जिदों का नाम भी आ जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि थोड़ा आगे दो कदम बढ़कर मस्जिदों के अंदर आवाम को तवज्जो दी जाए? क्योंकि मुसलमान ये सोचता है वक्त के मैंने सरकारी, उसको ये पता ही नहीं कि वक्त की जमीन हमारी होती है। नहीं तो वही ना, और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनको बताने देते भी नहीं, वो बताना भी नहीं चाहते। क्यों? क्या अगर चाहे वो बता दिए, आपको जागरूक कर दिए जनता को कि वक्त किसकी प्रॉपर्टी है, तो जनता इनसे छीन ना ले करके वो बताते नहीं। मैं शेख आसिफ शेख महबूब, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जिम्मेदार हमारे।